मेरा नाम अब्दुल कदीर नजवी है, सबक प्रिंसिपल। मैंने मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं और मेरी उम्र इस वक्त 87.5 साल है। मैंने पाकिस्तान शादी में भी हिस्सा लिया, नगमे गाए, मिली तराने अलापे। उस वक्त के नगमों में से एक शेर मुझे अब तक याद है, मुजाहिदीन सब शिकन बड़े चलो, मुजाहिदीन पाक जहां बड़े चलो। और यह है कि खुशी से हमारे पांव जमीन पर नहीं लगते थे और हम लड़के हमारे रमजान चांद की चांदनी में रात को सड़कों पर और गलियों में खुदकते फिरते थे। खुशी की कोई हद न थी। और ये जब मैं पाकिस्तान के लफ्ज पर गौर करता तो मुझ में एक बड़ी दिक्कत पैदा होती। और जब मैं पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पर सोच विचार करता तो मुझ में बड़ा जज्बा पैदा होता। ये है कि शेरी के वक्त ना वो जो मीठे दही के साथ पराठे खाने में बहुत मजा आता। क्यों? एक तो माह रमजान की बरकत, दूसरा ये कि पाकिस्तान बनने वाला है, पाकिस्तान बनने वाला। साढ़े 14 साल का था, नवी जमात में पढ़ता था, तो मैंने बड़े जज्बे से यही टोपी कराकुली यही लिबास कायदे आज़म वाला पहनकर लाहौर गया उनको मिलने के लिए। जब मैंने देखा तो मेरे अंदर बहुत ही लगन पैदा हुई कि ये एक कमजोर जिस्म का इंसान ऐसा अजीम काम करने जा रहा है कि पाकिस्तान बनाने जा रहा है। वो पाकिस्तान जो कि दुनिया की इस्लामी मुल्कों में सबसे बड़ी रियासत है। मैं बयान नहीं कर सकता कितना मुतासर हुआ, बेपाया मुतासर हुआ। अगरचे वो अंग्रेजी ही बोलते थे, उर्दू नहीं बोल सकते, लेकिन जब वो तकरीर करते थे तो यूं लगता था जैसे बड़े पुरखलूस अंदाज में। और ये जो आवाम है ये भी कहते थे कि ये अगर जो उनको समझ नहीं आती थी मगर जानते थे कि ये आदमी सच बोल रहा है, खलूस से बोल रहा है, ये बड़ा नेक नीयत है। दो कौमी नजरिया ये है कि इस मुल्क में दो कौमें बसती हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू। जबकि हिंदू कहते थे, जोर देते थे इस बात पर कि नहीं, यहाँ एक ही कौम है, मुसलमान और हिंदू एक ही कौम है। वो असल में अपने बुरे मकासद को पूरा करने के लिए ऐसा कहते थे ताकि मुसलमानों पर गलबा हासिल हो और जो मर्जी करे। जैसा कि आज कल देश में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है, मोदी की वजह से, उसके जुल्म और जबर की वजह से, उससे अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। बड़े नुकसान दिए हैं पाकिस्तान को, गरीबों की खिदमत करनी चाहिए थी, मगर यहाँ हम इतने हमसंग दिल हैं। कौन चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की न करे, पाकिस्तान अरूज हासिल न करे, पाकिस्तान में हर कोई जो है बारोजगार हो, कुछ कफील हो। और यह कि ये महंगाई जो आसमानों तक बुलंद है, ये मदद से जो तकलीफ पहुंच रही है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, खुदसोजियाँ हो रही हैं, कौन चाहता है कि मतलब ये सूरत हाल बने? ज़्यादा हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान जो है शाद रहे, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में गहमा गहमी हो, हर कोई चाहता है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रोया करो, बहुत ज़्यादा रोया करो, अल्लाह के आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया करो,
असल में छुए मादर आके थी मादर पिना थे। ये जो इस्लाम है ये माँ है, माँ जैसे पाकिस्तान माँ है, इस्लाम जो है छुए मादरा अपनी माँ की तरफ लौट आया। मुसलमान आज करके मुसलमान तू इस्लाम की तरफ लौट, तू अपनी माँ की तरफ लौट ताकि वो तेरा सही इलाज करे। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, चले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, ये घर से वही तीर फिर का पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, हरी शाखे मिलत तेरे नाम से है और नफस इस बदन में तेरे नाम। मजहब की तरफ लौटना चाहिए, मजहब की तरफ लौटना चाहिए।